हेलो बच्चों, क्लासरूम जैसी पढ़ाई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं शिवानी सिंह और आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी का मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स जो आपका चैप्टर है बेटा, उसमें हम देखेंगे फ्लावर का डाइसेक्शन। ठीक है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो हमारे पास में चाइना रोज प्लांट फ्लावर है बेटा, इसका जो बोटैनिकल नेम है वो है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। आज हम इसका डाइसेक्शन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये देख आपको दिख ही रहे हैं ये सुंदर से फ्लावर मेरे हाथ में। बेटा मेरे पास ये कुछ इक्विपमेंट्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देख रहे हैं बेटा, ये सारे चाइना रोजेज हैं। ये इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप है जो हम आज इस इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप का यूज़ करने वाले हैं अपनी स्लाइड्स को देखने के लिए। ये बेटा मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स है जिससे हम अपनी स्लाइड्स तैयार करेंगे। वॉच ग्लास है, ये आप देख सकते हो, ये आपका स्लाइड्स है। इसमें कुछ कवर स्लिप्स हैं, ये ब्लेड है, फोर्सेप्स, नीडल्स, ड्रॉपर, चाइना डिश, ब्रशेस, और ये आपका केमिकल आता है जिसका नाम है सेफ्रिनिन स्टेनिंग। तो हम स्टेनिंग के लिए ज़रूरी होता है किसी भी स्लाइड को हम जब देखेंगे तो बेटा स्टेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्टेनिंग से हम बहुत ही क्लियरिटी से हम किसी भी पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए हमें स्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अब जो मैंने इसमें लिया हुआ है ये सेफ्रिनिन केमिकल है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं डाइसेक्शन। बेटा जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में चाइना रोज है। ठीक है, कुछ पोर्शन मैं आपको बता देती हूँ, पहले ही समझा देती हूँ, अब उनको फिर हम एक एक करके कट करेंगे। ये जो फ्लावर का पोर्शन है, ये जो आपको दिखाई दिया होगा बेटा, इसको हम पेडिकल बोलते हैं, और ये जो छोटे छोटे से आपको सुंदर से स्टैमेंस दिख रहे हैं इनको हम एपी कैलिक्स भी बोल सकते हैं या हम एपी स्टैमेंस बोल सकते हैं। और ये बड़े वाले स्टैमेंस हैं, और ये आपका कोरोला यानी पेटल्स हैं। उसके बाद हम इसका पूरा स्टिक, ये आपको येलो कलर के जो दिखाई दे रहे हैं ये एंथर्स हैं। ठीक है, और ये बेटा ये पूरा आपको स्टिग्मा निकाल कर मैं दिखाऊंगी, तो आप एक एक करके सारे पोर्शंस फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम कट करना शुरू करते हैं। These are the petals and this is sepals and this is apicepals. इसको आप एपी कैलिक्स और इसको कैलिक्स कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको दिखाई दिया होगा। ये देख सकते हैं आप पूरा बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओवरी है पूरा, ये स्टिग्मा है और इसके अंदर एक वाइट पोर्शन में होता है वो पूरी स्टाइल है। और ये जिस पर आपके येलो एल्फर्स लगे हुए हैं ये पूरा मोल एडल्फस सेपल्स है। ठीक है, मैं आपको एक बार और अच्छे से बता दूंगी, निकाल कर जब मैं दिखाऊंगी। ये देख रहे हो आप,
ये येलो कलर के पोलन ग्रेन्स हैं बेटा, एंथर हैं, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ये जो नीचे रेड कलर से जिससे जुड़े हुए हैं इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम स्टेमन बोलते हैं बेटा। तो ये पूरा जिससे ये अटैच्ड है, पोलन ग्रेन जिससे ये अटैच्ड है बेटा, ये पूरा मोना एडेल्फस स्टेमन है, ठीक है। इसको कट कर देते हैं हम, ये आपके बेटा जितने भी आपको ये येलो कलर के दिख रहे हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, ये स्टेमन है। स्टेमन में आपके दो पार्ट होते हैं, एक ये येलो पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये बेटा एंथर है। एंथर से बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं इस येलो पोर्शन में, और ये जितना भी रेड से ये जो आप रेड फिलामेंट देख रहे हैं जिसे ये अटैच्ड है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा आपका स्टेमन है, मोना एडेल्फस स्टेमन बोलते हैं हम इसको। और ये बेटा आपका स्टिग्मा, ये पूरा ओवरी है, ओवरी का पोर्शन है, ये पूरा ओवरी का पोर्शन है जिसमें ये ऊपर का पोर्शन आपका स्टिग्मा है, ये पूरा स्टाइल है, और ये आपकी ओवरी है, और इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। अभी हम इसका भी डाइसेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट्स थे बेटा। ये मेरे पास बेटा काफ़ी सारे चाइना रोज हैं, ठीक है, तो मैंने इनका डाइसेक्शन किया है। ये देखिए, ये पेटल्स हैं आपके, जिसको हम कोरोला भी बोलते हैं, सुंदर से रेड कलर के बेटा। ये आपके सेपल्स हैं और ये एपिसेपल्स हैं, ठीक है। जो फ्लावर आप देख रहे हो यहाँ पर, इस फ्लावर का देखो पोर्शन, नीचे आपका पेडिकल है, उसके ऊपर देखो, ये जो नीचे मेरे हाथ के ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे से, ये ग्रीन सेपल्स हैं, इसको हम एपिसेपल्स बोल सकते हैं। और ये ऊपर वाला सेपल्स है जो मैंने अभी आपको कट कर कर दिखाया है, पूरा सेक्शन मैंने निकाल दिया है इसका, सेपल्स का और एपिसेपल्स का। फिर बेटा ये आपका पूरा मोना एडेल्फस स्टेमन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मोना एडेल्फस स्टेमन है, जिसमें आपके ये जो है येलो कलर में जो आप देख रहे हो ये एंथर है, और ये जिससे अटैच्ड है रेड कलर की जो फिलामेंट्स आप देख रहे हो, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। अब इस येलो स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा, एंथर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोना एडेल्फस स्टेमन है पूरा, आपको देख आप देख ही रहे हो, ये देखो पूरा मोना एडेल्फस स्टेमन है। उसके बाद ये ओवरी है, दिस इज द ओवरी, दिस इज स्टिग्मा एंड दिस इज स्टाइल, राइट। और इसको हम पूरा क्या बोलते हैं, गाइनोशियम पार्ट बोलते हैं हम इसका। तो ये फ्लावर का मेल पोर्शन है और ये फ्लावर का फीमेल पोर्शन है, ठीक है। ये आपका स्टिग्मा
स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है बेटा, ये हमने डाइसेक्शन किया है चाइना रोज का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डाइसेक्शन करेंगे ओवरी का, जिसमें हम काफ़ी सारे ओव्यूल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये मैंने जो अभी फ़िलहाल आपको ओवरी दिखाई थी, उस ओवरी को मैंने कट किया है और आप इसमें देख सकते हैं। ये देखो, आपको बहुत अच्छे से ओव्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे बेटा। ये ओवरी है, उस ओवरी को मैंने कट किया है और इसमें ये वाइट कलर के ओव्यूल्स हैं। फोकस, हाथ आ रहा है। आप सभी देख सकते हैं इसको, यू कैन सी क्लियरली, राइट। ये देख सकते हैं, ये ओव्यूल है बेटा पूरा, और इस ओव्यूल में ये छोटे छोटे से वाइट पोर्शन में आपको काफ़ी सारे, ये पूरी ओवरी है इसका, इसको मैंने कट किया है और इस ओवरी में ये वाइट कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे से ये ओव्यूल्स हैं। इसको मैंने अलग भी निकाल दिया है, देखो बेटा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी डाइसेक्शन क्लास कैसी लगी मुझे आप ज़रूर बताइए कमेंट कर, और मैं और भी अच्छे अच्छे फ्लावर के डाइसेक्शन कर सकूं आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू बच्चों, बस मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।